बल्कि विश्व के कई देश के भी लोग आते हैं यहाँ हर साल इतने दूर दूर से। क्यों आते हैं ये लोग? क्या डॉक्टर बाबा साहब की पूजा करने या उनकी दर्शन करने या नागपुर की सैर करने? अगर तुम लोग इन सब करने आते हो ना तो अपमान कर रहे हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। अरे जिस महामानव ने अंधश्रद्धा कर्मकांड और पूजा को त्याग दिया अपनी ज्ञान लगन और उसी के पाए हुए बल पर हमें विश्व के सारे मानव जाति के कल्याण का और शांति का धर्म दिया, उस महामानव की पूजा करने नहीं बल्कि विचार समझ कर उन विचारों को करने का निर्णय करने आना है हमें यहाँ। और हाँ, यहाँ बाकी कोई शॉपिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ किताबों की खरीदारी होनी चाहिए, समझे? बिल्कुल सही। तो जरा समझ लीजिए इस साल धम्म संदेश की टीम क्या संदेश लाए आप लोगों के लिए। इस साल का धम्म संदेश है विषमता के जहर को खत्म करना, विषमता के खिलाफ लड़ना। और इस लड़ाई में समाज के हर जात धर्म के लोगों को साथ लाने का प्रयास करना है, सबको साथ मिलकर लड़ना है। तो चलो हम निर्धार करें कि हमारे ही धर्म की नहीं हिंदू समाज के किसी भी जात धर्म की हमारी माँ बहन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। समाज की हर महिला चाहे वो दिल्ली की हो, कोपलडी की हो या कैरलान जी की, उसके रक्षण की जिम्मेदारी समाज के हर जात धर्म के लोगों की है। यह संदेश दीक्षा भूमि से हम लेकर जाएंगे और उसी की सुरक्षा के लिए हम हर गाँव हर शहर के मोहल्ले में डॉक्टर बाबा साहब ने दी हुई समता सैनिक दल की छापा जल्दी शुरू करेंगे। समता सैनिक दल का सैनिक रक्षा करेगा समाज की हर महिला का और स्त्री रक्षक बन के देगा भरोसा हर महिला को उसकी सुरक्षा का। अब नहीं होने देगा अत्याचार हमारी माँ बहनों पर। और हाँ सुनो, अब हमें गौ रक्षक से ज्यादा जरूरत है स्त्री रक्षा की। उसी के साथ हम बंद करेंगे दहेज की गंदी प्रथाओं को और रोक देंगे दहेज के कारण होने वाले हमारे माँ बहन की हत्याओं को। हम स्थापित करेंगे हर गांव हर शहर में समता, क्योंकि अगर हमें एक ही जगह एक ही गांव एक ही शहर एक ही मोहल्ले में जिंदगी गुजारनी है तो क्यों करना आपसे बैर, मिटाए आपसे बैर, खत्म करें आपसे लड़ाई झगड़े। नहीं आएंगे किसी के बहकावे में हम और नहीं करने देंगे राजनीति जात या धर्म चुनाव पर। अब हम ये जो मोर्चे निकाले गए ना, मराठा क्रांति मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मोर्चा, अब वक्त आया है इन सभी मोर्चाओं में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक होकर निर्माण करे एक नया समता मोर्चा। और ये समता मोर्चा रक्षा करेगा समाज की हर जात धर्म की महिलाओं का। एक ऐसा समता मोर्चा का गठन जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, रे बौद्ध हो, इन सभी जात धर्म के लोगों के अनुयायी हो और उस मोर्चा का इरादा हो महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ समाज में समता स्थापित करना, भारतीय संविधान के समता बंधुता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का सारे भारत में अमल करना। तथागत गौतम बुद्ध ने सारे विश्व को जो समता का मानवतावादी धर्म दिया है उसका सिद्धांत है सारे विश्व के मानव समान है। सिर्फ मनुष्य मात्रा पर नहीं तो गूंगे जानवरों पर भी प्रेम करो, यह प्रेम का संदेश दिया है तथागत बुद्ध ने हमें। अरे ये जो बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, नशीली चीजों का ग्रहण न करना, क्या ये किसी एक जात धर्म के लोगों के भलाई के लिए है? नहीं, ये तो इस विश्व के सारे मानव जाति के कल्याण के लिए है। अरे हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वह दुर्लभ है, क्यों ना इसे और खुशी से जिए। बिल्कुल सही। और इसके लिए जरूरत है सिर्फ महिलाओं में नहीं बल्कि सारे समाज में समता स्थापित करने की। हाँ बिल्कुल। और मेरे युवा मित्रों, ये काम सिर्फ हम युवा ही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि समाज में कोई भी परिवर्तन लाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हम युवा ही को। अरे हाँ, हमारे में है वो दम जो ला सके परिवर्तन। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी कहलाते हैं तो हम करेंगे पहल, हम करेंगे शुरुआत हर गांव हर शहर में समता स्थापित करने की। क्योंकि इसी दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं में एक 10वीं प्रतिज्ञा भी दी है
चलो आज हम वही प्रतिज्ञा दोहराएंगे। तो जोर से बोलो हमारे पीछे, हम समता साबित करने का प्रयास करेंगे। हम समता साबित करने का प्रयास करेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलेंगे। और ऐसा आचरण करेंगे कि दूसरे हमारा आदर करना सीखे। तो बोलो सारे, सोनू तेरा संविधान पर भरोसा है ना? है ना, है ना। सोनू तेरा सत्ता पे भरोसा है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। समझेंगे सत्ता का बड़ा रोल, बड़ा रोल, बड़ा रोल। सत्ता के सिवा देश में सारा झोल, सारा झोल, सारा झोल। समझ ली इस बात का है बड़ा मोल, बड़ा मोल, बड़ा मोल। सोनू तेरा संविधान पर भरोसा है ना? है ना, है ना। सोनू तेरा सत्ता पे भरोसा है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। साथियों, इस धम्म संदेश अभियान के पथ नाट्य के लेखक है जो हमने आपके सामने भी प्रस्तुत किया, माननीय माजी अतिरिक्त जिला अधिकारी पंजाब राव वानखेड़े सर, और मैं हूँ पायल बागमारे। जय भीम। जय भीम। मैं दुर्गा पंडित। जय भीम। मैं अनुप ठाकरे, एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ। जय भीम। मैं प्रवीणा ठाकुर। जय भीम। मैं प्राची रंगारी। जय भीम। मैं प्रवीण रामटेक। जय भीम। मैं संगीत रामटेक।